नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और मेरे दिमाग में चल रही है एक खुरापात। आज मैं एक चीज़ ट्राई करके देखने वाला हूं अपनी टाटा टियागो पे, वो ये कि आप सभी को पता होगा कि कार्स में आजकल एक क्रीप फंक्शन करके एक फीचर आता है जिससे कि आप ट्रैफिक वगैरह में फर्स्ट या सेकंड गियर में बिना किसी एस्केलेटर पेडल के यूज़ के, बिना एस्केलेटर पेडल को दबाए, आप केवल क्लच को छोड़कर और केवल गियर को लगाकर क्लच ब्रेक से खेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आपको तेज स्पीड करने के लिए एस्केलेटर पेडल दबाने की आवश्यकता नहीं होती, ECU अपना खुद फ्यूल वगैरह देने लगता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये जो क्रीप फंक्शन है ये कौन से गियर तक काम करता है, ये आज हम ट्राई करके देख लेते हैं। करूँगा क्या, जस्ट सिंपली फर्स्ट गियर लगाऊँगा, क्लच छोड़ दूंगा, सेकंड गियर लगाऊंगा, क्लच छोड़ दूंगा, एस्केलेटर नहीं दूंगा, फिर थोड़ी सी स्पीड गेन कर लेगी, फिर थर्ड गियर लगाऊंगा, छोड़ दूंगा, फोर्थ लगाऊंगा, ऐसे कौन से गियर में गाड़ी झटका मारती है, कौन से गियर तक चलती है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो मुझे भी नहीं पता कौन से गियर तक जाएगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार ये ट्राई कर रहा हूँ और पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सो मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है और फर्स्ट गियर लगा दिया। देखिए आप, ये क्लच छोड़ रहा हूँ मैं, मेरा पैर जा रहा है एस्केलेटर पे, लेकिन सॉरी एक मिनट, मैंने हैंड ब्रेक उतारना भूल गया। ठीक है, फिर से फर्स्ट गियर लगा छोड़ दिया, फर्स्ट गियर लगा के ये क्लच छोड़ दिया। गाड़ी की स्पीड और RPM आप देख सकते हैं, मुश्किल से 0 से 8 के आसपास चल रही है ये गाड़ी। फर्स्ट गियर लगा हुआ है, मैं एस्केलेटर पेडल नहीं दबा रहा हूँ। अब मैं क्लच दबा करके सेकंड गियर लगाता हूँ और फिर क्लच छोड़ देता हूँ। क्या रिस्पॉन्स आता है गाड़ी का, स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी ऊपर गई है, 10 के आसपास पहुँच गई है। बच्चे खेल रहे हैं सामने। अब थर्ड गियर लगाते हैं, देखते हैं थर्ड गियर में गाड़ी बिना, थोड़ा सा इसने झटका तो लिया लेकिन फिर चल गई। और थर्ड गियर में मैंने, देख लीजिए आप, अभी तक कोई एस्केलेटर पेडल नहीं दबाया हुआ है। थर्ड गियर में गाड़ी 20 की स्पीड को अचीव कर चुकी है। अब सामने की तरफ थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आ गया है, सो मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा खाली पैच में जाने के लिए एस्केलेटर का यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद फिर से देखते हैं। थर्ड गियर तक तो गाड़ी चल गई थी, अब हमें देखना है फोर्थ और फिफ्थ गियर में गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स देती है। तो मैं यू टर्न ले लेता हूँ। थर्ड गियर में 20 की स्पीड पर थी गाड़ी, आप याद रखना थोड़ा, है ना? ठीक है, 20 की स्पीड पर थी गाड़ी और अब वापस से फर्स्ट गियर से शुरू करेंगे। थर्ड गियर में तो पता नहीं उठेगी कि नहीं उठेगी। सेकंड गियर लगा दिया है, थर्ड गियर में 20 की स्पीड पर थी। अब मैं क्लच दबा के फोर्थ गियर में जाता हूँ और फोर्थ गियर में स्पीड आप देखो 20 से ऊपर चली गई है। वही मैंने एस्केलेटर नहीं दबाया, गाड़ी अपने आप से, मतलब RPM जो है 1000 से नीचे ही, 800, मतलब ये तो स्टार्टिंग RPM है यार, इतने में तो मतलब गाड़ी स्टार्ट ही रहती। पांचवा गियर और लगा देता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे और खाली पैच चाहिए रहेगा। तो एक यू टर्न मारते हैं, जो देखते हैं, चलो यू टर्न पर बिना ब्रेक लिए गाड़ी मोड़ पाती है। आराम से मुड़ गई बिना कोई मतलब ब्रेक वगैरह का यूज करे, बिना एस्केलेटर का यूज करे, केवल क्लच पे और गियर पे गाड़ी को छोड़ दिया। अब मैं पांचवा गियर लगा दिया मैंने, ठीक है, ये पांचवा गियर, हाँ हाँ हाँ, झटके तो ले रही है। पांचवा गियर में दोस्तों नहीं चल पा रही है, छोड़ देता हूँ मैं फिर भी। देख सकते हैं आप, मैंने कुछ भी नहीं दबाया, गाड़ी की स्पीड 20 से ऊपर चली गई और क्रीप फंक्शन जो है काफ़ी अच्छे से काम करता है भाई। गाड़ी का ECU जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है। देख सकते हैं 30 की स्पीड इसने अचीव कर ली है बिना किसी एस्केलेटर पेडल के यूज़ के, मैं इसे चला रहा हूँ। RPM आप देख सकते हैं गाड़ी का,
भाई मस्त है यार, बिना एस्केलेटर पेडल के यूज के भी आप गाड़ी को मतलब इतना तो चला ही सकते हैं। अब मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मुझे टर्न लेना है। अब हम रोक लेते हैं गाड़ी को साइड में। सो ये थी दोस्तों वीडियो, मेरे दिमाग में एक थोड़ी सी क्वेरी आई, सो मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर दी और प्रैक्टिकल करके देखा कि बिना एस्केलेटर के यूज़ के आप किस गियर तक गाड़ी को चला सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा आरपीएम या बिना इंजन पे कोई एक्स्ट्रा लोड दिए, केवल 800 आरपीएम पर। तो कमाल की बात है, गाड़ी की स्पीड जो है लगभग 30 के आसपास गई और पाँचों गियर में भी गाड़ी आराम से चल पा रही थी। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वाले चैनल को इसी तरीके की मस्त मस्त वीडियोस के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।